हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम दोबारा से खेलने वाले हैं एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट। तो गाइस जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा हमने पिछली वाली वीडियो में जो हमारा कास्टल था उसको बड़े करने का काम स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस आज की वीडियो में जो आज वाली वीडियो है ये उस वीडियो का ही दूसरा पार्ट है। आपको पता होगा मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो के दो पार्ट है, जो ये आप आज वाला पार्ट देख पा रहे हो ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कास्टल है उसमें हम खेती करने वाले हैं। तो हम एक बड़ा सा फार्म बनाने वाले हैं हमारा। तो गाइस हम फार्मर बनने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जल्दी से मैं यहाँ पर खुदाई का काम स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब खुदाई का नहीं मैं कहूँगा इसको, भाई मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भाई फार्मिंग ही कहूँगा। भाई मैं फार्मिंग करनी स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना जो खेत है इसको वाह देता हूँ, मतलब वाह नहीं कहते हैं इसको, सिंचाई करने के लिए जो भी, मतलब कुछ भी कह लो यार इसको, मैं अपना जो खेत है उसको बना लेता हूँ और इसमें बीज जल्दी से लगाना स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइस मैं अब दो मैंने बना लिए हैं जो हमारे यहाँ पर बीज लगाने हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं बीज मैंने लगा दिया है एक में, अब मैं दूसरे में भी लगा दूँगा जल्दी से बीज। तो क्योंकि यार जो हमारे पास, मैं एक एक करके इसलिए बना रहा हूँ, दो दो करके, क्योंकि अब हमारा पता नहीं है कब हमारे बीज ख़त्म हो जाए। तो गाइस वैसे तो हमारे पास बीजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास मेरा कोई भरोसा भी नहीं है कि हमारे पास बीजों की कमी पड़ जाए। तो गाइस इसीलिए मैं जो हमारा खेत है मैं उसको जो बना रहा हूँ उसको मैं तमीज़ में बनाऊँगा, ताकि हमारे जो बीज है वो कम ना पड़े, ज़्यादा मतलब चाहे हो जाए ज़्यादा हो जाए पर लेकिन घटने नहीं चाहिए। तो गाइस वहाँ पर मैंने अपना फार्म बना लिया था। तो गाइस आपको पता होगा कि मैंने किसी मतलब पुरानी वीडियो में आपको ये वाले बीज भी दिखाए होंगे कि मैंने जो ये बीज हैं वो कुछ शलगम जैसी चीज़ होती है, उसको शुगर कहते हैं इस गेम में, पता नहीं भाई क्या होती है, हम तो उसे शलगम ही बुलाएंगे। तो भाई यहाँ पर मैं ये बीज देख पा रही हूँ, इतनी जगह में एक ही लगता है भाई। तो भाई ये वाले बीज तो मैंने एक बार में 6 पता नहीं 7-8 खरीदे थे शॉप में से, लेकिन ये मेरे पास जैसे मैं इसको फसल को उगाता गया उससे मुझे इस फसल का फल भी मिलता गया और उसके साथ मुझे जो ये सीड है बीज हैं वो भी मिलते गए। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास जितने भी बीज हैं मैं सभी को लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने एक साइड में जो हमारा एक साइड का जो लेयर होती है उसमें काफ़ी सारे मतलब ये पौधे लगा दिए हैं शुगर के। तो गाइस यहाँ पर मैं इस वाली लेयर में भी काफ़ी सारे पौधे लगाने वाला हूँ। और गाइस ये बीज हमारे पास इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम जो हमारी बीज जैसी खेती कर पाएँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो कि मैं काफ़ी दूर तक आ गया हूँ। तो ये गाइस मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यार आपको पता होगा कि अगर हम फार्म बना रहे हैं तो इतनी सारी फसल हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर मैं ढूँढने आया हूँ काओ, मतलब गाय ढूँढने आया हूँ, आप गायें बोल सकते हो या उसे कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं जब पिछली बार आया था मुझे एक जो मेरा जो ये मेरी फरारी है इसको मैंने खाना खिलाने के लिए जो मेरे पास कम हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पर बीज दिए थे। तो कैसे अब जो जाकर मुझे यहाँ पर ये गाय मिली है इसको मैं जल्दी से मतलब इक्विप कर लेता हूँ, माउंट कर लेता हूँ। और भाई इसके ऊपर ओ भाई साहब ये देख पा रहे हो, अबे यार भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, ये देखो भाई गाय के ऊपर कौन सवारी करता है भाई बैठ के, हैं भाई मुझे कमेंट में बताओ भाई आपने क्या गाय सचमुच की रियल लाइफ में ऐसे किया है, क्योंकि यार ये तो एक्सप्लोरेशन वर्ल्ड है इसमें कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब मुझे तो लगता है भाई ये जो हमारी गाय है हमें इसको ही लेकर जाना पड़ेगा। वैसे भाई कोई बात नहीं है, जो हमारी लैम्बोर्गिनी इसको भी मैं बुला लूँगा। तो भाई जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि सुबह हो चुकी थी, मैंने अपनी गाय को भी मैं अपने घर पर लेकर आ चुका था। तो भाई उस गाय को मतलब जहाँ पर रखना है हमें, मैं वो वाली जगह बना रहा हूँ उसके लिए तबेला बना देते हैं। भाई तबेला तो मतलब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे शब्द, मैं इसको अपना क्या बोलूँ भाई, ऐसे करते हैं भाई इसको पार्किंग बोलते हैं भाई, जो हमारी गाड़ियाँ हैं मतलब इस वर्ल्ड की गाड़ियाँ हैं उसको हम यहाँ पर पार्क करेंगे। हमारी लैम्बोर्गिनी को तो भाई मैं आपको पता ही है हमारी लैम्बोर्गिनी का, तो भाई जो हमारी फरारी थी वो तो भाग गई थी यहाँ से, उसको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। जो फरारी मतलब हमारा घोड़ा नहीं भाई, लैम्बोर्गिनी मतलब हमारा घोड़ा, फरारी मतलब जो हमारा वो सफ़ेद सा जानवर है, पता नहीं क्या है उसका नाम, बताओ भाई जाके मुझे कमेंट में कि क्या नाम है उसका। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने एक पिलर खड़ा कर दिया, और भाई जल्दी से अपना जो हमारा दूसरा पिलर है उसको भी हम जल्दी से खड़ा कर लेते हैं। तो भाई ये मतलब बराबरी का हो चुका है, यहाँ पर भी मैं इसकी इस वाली साइड में भी मड को लगा देता हूँ और भाई यहाँ से कूद लेते हैं। मुझे पता है भाई यहाँ पर हेल्थ जाने वाली है लेकिन कूदना तो पड़ेगा ही भाई। तो भाई यहाँ पर भी मैं 4 ब्लॉक ऊपर को लगाऊँगा और कूदूँगा, और इस वाली साइड में भी मड का
पहले मैं यार अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। वैसे यार अगर हेल्थ बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी अब जल्दी से। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने जो हमारा तबेला है, सॉरी हमारी जो पार्किंग है, उसको मैंने अपना एकदम बढ़िया तरीके से बना लिया है। तो भाई यहाँ पर जो मैं अपने जो हमारी ये फरारी है उसको पार्क करने वाला हूँ। और भाई इस वाली साइड में जो हमारी, उसको क्या बोलूँ यार, उसको भैंस ही बोलो भाई, जो हमारी गायें हैं उसको मैं एक वाली साइड, इस वाली साइड में बनाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने जो हमारा मैंने फसल बीजी थी वो देखो भाई कितनी जल्दी से हमारी जो फसल है वो उग गई है। अब जल्दी से भाई इस फसल को बचाने के लिए, ज़ॉम्बी से बचाने के लिए, मुझसे बचाने के लिए यहाँ पर मुझे फेंस लगाने पड़ेंगे। और भाई फेंस गेट भी मैं बना ले आया हूँ। फेंस भी मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे और मैंने काफ़ी सारे बना भी लिए थे। तो भाई जल्दी से यहाँ पर मैं फेंस लगा देता हूँ और भाई आगे जाके आपको हमारा घर की मैं लुक भी दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। भाई अब यहाँ पर देखो भी फेंस कैसे लग रहे हैं। तो भाई से यहाँ पर भी मैं इधर वाली साइड में भी फेंस लगा लेता हूँ जल्दी से। और भाई मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताओ भी, जो जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर है अपना नाम ज़रूर लिख देना नीचे, कमेंट कर देना भाई #YS लिख के। और हाँ गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। मुझे आशा है कि सभी लोग वीडियो को इस यहाँ तक पूरा देख लिया है आपने, आगे भी वीडियो को पूरा देखो गाइस। आपके लिए बहुत मेहनत से भाई काम करता है आपका भाई। तो भाई इस वाली साइड में भी फेंस लगा दिया है मैंने। तो भाई अब ये देख पा रहे हो जो हमारी पहले दूसरी साइड में हमारा जो दरिया था, मतलब नदी थी, उसको मैंने बंद कर दिया है। और भाई ये जो मतलब हमने बनाया है, जो स्विमिंग पूल बनाया है हमारा, छोटा कर दिया मैंने जो हमारा स्विमिंग पूल है, पहले काफ़ी बड़ा था भाई। उस स्विमिंग पूल को बंद करने का एक ही कारण है, अगर मैं उसके अंदर कूदता था तो भाई उसमें मैं जो नीचे फंस जाता था भाई, मैं नीचे ही निकल जाता था उसमें। तो भाई यहाँ पर मेरा फेंस भी अच्छे लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे ये घर के साथ साथ मैंने पानी की नदी भी बना दी है एक टाइप से। तो भाई ये देखो तुम्हारे भाई ने काफ़ी मेहनत की है भाई इसको बनाने। तो भाई इस वाली नदी को बनाने के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी है आपको भाई। मैं अगर वो वाली वीडियो से मतलब दिखाता वो वाली वीडियो क्लिप्स भाई, आप तो बोर हो जाते। तो भाई कोई बात नहीं, आपने मेरे घर का जो अपना नया कास्टल है उसका भाई रिव्यू भी कर लिया है। तो चलो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिसको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ। और हाँ गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस।